जून में धान की रोपाई के दौरान मजदूरों की कमी के चलते पंजाब में किसानों ने इस बार डायरेक्ट सीडिंग राइस तकनीक यानी DSR का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। लगभग एक चौथाई धान की खेती इसी तकनीक से हुई है। इससे मजदूरी तो बची लेकिन किसानों को चूहों और दीमक से नुकसान के बाद अब खरपतवार की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसके चलते धान की खेती में पेंडी मेथलिन हर्बिसाइड का इस्तेमाल बढ़ गया है। एक अनुमान के मुताबिक खरीफ सीजन में पूरे पंजाब में 12 से 15 लाख लीटर पेंडी मेथलिन की बिक्री हुई है। अब यहां खास ये है, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जिन 27 घातक पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स पर रोक लगाने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ये पेंडी मेथलिन ये पेस्टिसाइड भी शामिल है। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि अगर इस हर्बिसाइड पर पाबंदी लगी तो DSR तकनीक के इस्तेमाल पर असर पड़ेगा। इस तकनीक से धान की खेती होने पर पानी की खपत घटाने में मदद मिलती है क्योंकि इसके लिए धान की नर्सरी नहीं तैयार करनी पड़ती है बल्कि उसे सीधे खेत में बोया जाता है। कुल मिलाकर ये तकनीक जहां भूजल दोहन रोकने में मददगार साबित हो रही है, मजदूरों की कमी से भी जूझने में इससे मदद मिल रही है और बोला जा रहा है कि जो ये फसलें हैं ये काफी टिकाऊ यानी काफी सस्टेनेबल होती हैं, बीमारियां भी नहीं लगती हैं, वहीं दूसरी तरफ केमिकल्स के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर VK दिलावरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पहले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं प्रोफेसर ऑफ इकोलॉजी के तौर पर और अब बहुत से किसानों को वो एडवाइस देते हैं किस तरह से सही तकनीक का इस्तेमाल करें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इस पर प्रोफेसर साहब आपका स्वागत है किसान बुलेटिन में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस बार DSR तकनीक का काफी इस्तेमाल हुआ क्योंकि मजदूरों की कमी थी, कहा जा रहा है कि इस तकनीक से पानी की भी कमी कम पानी में इसको हम बो पाते हैं और इसके अलावा ये बहुत सस्टेनेबल होता है जो क्रॉप है और रेजिलियंट होता है, बीमारियां कम होती हैं, लेकिन अब ये वीड्स की खरपतवार की दिक्कत और उसको कंट्रोल करने के लिए बोला गया है कि मैंडेटरी है कि पेंडी मेथलिन का इस्तेमाल किया जाए। मगर पेंडी मेथलिन उन 27 पेस्टिसाइड्स की लिस्ट में है जो कि सरकार ने हाल ही में एक ड्राफ्ट बैन ऑर्डर सामने रखा है और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है क्योंकि एक तरफ ये बहुत सस्टेनेबल तकनीक है लेकिन दूसरी तरफ इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, क्या रेकमेंड करेंगे आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से इस बार लेबर की शॉर्टेज थी और फार्मर्स के पास एक्चुअली इस टेक्निक को पिछले कई सालों से यूनिवर्सिटी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ज्यादातर फार्मर्स अपना इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते थे, उनको हाथ से रुपाई करने वाला तरीका ही आसान और अच्छा लगता था। इस बार क्योंकि लेबर की कमी थी और उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था तो उन्होंने इस टेक्निक को अपनाया और इसका करीब 12 लाख एकड़ में इस बार रुपाई हुई है तो ये काफी मतलब अच्छी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इस टेक्निक की। जहां तक मुझे मालूम पड़ा है फार्मर्स के बीच में घूमकर देखकर, मेरा ख्याल है कि 5% फार्मर्स ऐसे हैं जिनको इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई होगी उनकी, क्योंकि टेक्निक नई थी, सारी जानकारी उनके पास नहीं पहुंची जिसकी वजह से कुछ कमियां रह गई और ये प्रॉपरली वो उसको मैनेज नहीं कर सके। लेकिन 95% फार्मर्स ऐसे हैं जो इस टेक्निक से पूरे सेटिस्फाइड हैं और अभी इवन अगर अगले साल लेबर की अवेलेबिलिटी होगी तब भी लोग इसको अडॉप्ट करेंगे जैसा कि देखने में आ रहा है। उसके कई कारण है, एक सर, लेकिन यहाँ पेस्टिसाइड के इस्तेमाल पर तो दिक्कत पैदा हो गई है ना कि जो ये पेस्टिसाइड जो है वो उन 27 बैंड जो लिस्ट सामने प्रस्तावित लिस्ट रखी है सरकार ने उसमें ये पेंडी मेथलिन है जिसको सोइंग के टाइम स्प्रे करने की रिकमेंडेशन है, बात यहाँ पर आकर खराब हो जाती है। खराब हो रही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उनका जो बायो एफिकेसी डाटा है वो तो हमारे पास अवेलेबल होता है लेकिन जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं या कोई ह्यूमन हेल्थ के ऊपर डाटे की जरूरत है
वो हमारे पास नहीं अवेलेबल है। लेकिन अगर इंटरनेशनल डाटा को अगर हम सर्च करते हैं तो रिसेंट रिपोर्ट एक आई है, वो एक मेडिकल जर्नल में अभी पब्लिश हुई है, इट इज जो इस पेस्टिसाइड को एक्सपोज हो रहे हैं लोग उनमें चांसेस ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर 3 times बढ़ जाते हैं। इट इज अ रिसेंट फाइंडिंग। इसके अलावा इससे पहले काफी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पर इस पर स्टडी हुई है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स पर, फिश और अदर एक्वेटिक लाइफ, उसके ऊपर इसका काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है। तो जब इसको फील्ड में अप्लाई करते हैं तो कुछ तो ड्रिफ्ट हो जाता है, कुछ पानी के साथ ये परकोलेट कर जाता है और वहां से वाटर बॉडीज में मूव कर जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है, और इसीलिए इसको उस लिस्ट में शायद इंक्लूड किया गया कि इसको भी बैन किया जाए। बट तो ऐसे में सरकार की तरफ से किस तरह का इंटरवेंशन आप देखते हैं? किसकी तरफ से, फिर से बोलेंगे, फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सरकार की तरफ से आप किस तरह का इंटरवेंशन देखते हैं, क्योंकि इतनी बीमारियां, या जैसे आप बता रहे हैं कि इससे कैंसर के भी बोला, इस तरह की स्टडीज हैं कि कैंसरस है, हो सकता है, तो ऐसे में आप सरकार की तरफ से किस तरह का इंटरवेंशन देखते हैं और किस तरह की सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, जो लॉबी है, उनका कहीं ना कहीं दबाव रहता है, वो हावी रहते हैं, और उनका कहना है कि जब तक खुद की देश में स्टडीज ना हो तब तक हम इस बात को नहीं मान सकते कि विदेशों में इसको बैन किया है तो भारत में भी बैन हो ही हो। जो आप अगर गवर्नमेंट का जो ड्राफ्ट है 27 पेस्टिसाइड्स को बैन करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हुई है, उसमें तो सरकार ने ये प्रपोजल दी है कि इसको बैन किया जाए। अब तो उन्होंने हमसे ये मांगा है कि इसमें कि आप इसको सपोर्ट करते हैं कि इसके अगेंस्ट जाते हैं। तो जहां तक इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं और कॉन्सिक्वेंसेज ऑन ह्यूमन हेल्थ है, नेचुरली नोबडी वुड लाइक टू गो अगेंस्ट इट, सभी इसको सपोर्ट करेंगे। और अब ये देखने की बात है कि कहां पर बैलेंस बैठता है, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव भी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। बार-बार दिक्कत आती है कि डेटा जो है वो डेटा ठीक से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार ने एक बार फिर से इन 27 पेस्टिसाइड्स को उस लिस्ट में डाला है, प्रस्तावित बैन ऑर्डर लाया गया है, लेकिन इसमें बात है कि डेटा फिर से सरकार जो है डेटा मांग रही है इंडस्ट्री से, बात वहां पर आकर अटक जाती है। तो इसमें आप किस तरह की देरी देखते हैं और सरकार की तरफ से कितने प्रोएक्टिव मेजर होना चाहिए? इसमें मेजर जो मेन प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चरल स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जो बनी है वो फूड सिक्योरिटी उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। अब फूड सिक्योरिटी वाली बात सभी कहते हैं कि जी हमने हासिल कर ली है, अब हमें क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए। फूड सिक्योरिटी को सस्टेन करते करते हमें, देखिए आप करीब 35 साल हो गए, 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन की फाउंडेशन हुई थी, तो अब इतने सालों में समझिए 45 साल हो गए, 45 सालों में हमने अब ये रियलाइज करना शुरू किया है कि जी हमें इन एग्रोकेमिकल्स के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर भी अपनी नजर रखनी चाहिए। तो सस्टेनेंस, फूड सस्टेनेंस के बाद अब यूनिवर्सिटीज को थोड़ा चाहिए कि वो क्वालिटी कॉन्शियस भी हों और अपनी रिसर्च प्रायोरिटीज को चेंज करें। बहुत शुक्रिया इस पॉइंट को रखने के लिए। तो कुल मिला के अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो अगला पड़ाव है वो है न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट को भी उसी नजर से देखा जाए, उतनी ही तरजीह दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के।